Hey guys, assalamu alaikum. Welcome back to my channel if you're still watching. I'm Sehresh. काफी सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा कि जिनको मैं जानती नहीं थी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया. I'm really thankful for those people who message me and ask me कि मैं अपनी वीडियोस क्यों नहीं बना रही और इतने अरसे से जो है वो मैं कहाँ पे हूँ. लाइक मुझे लाइक दोबारा से उन्होंने इनकरेज किया कि मुझे वीडियोस बनानी चाहिए. ऑब्वियसली फैमिली तो करती है लेकिन जिन लोगों को मैं जानती भी नहीं थी उन लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा कि आपकी वीडियोस हमें बड़ी पसंद आ रही थी आप वापस क्यों नहीं बना रही. तो काफ़ी अरसा हो गया जिसकी वजह से जब मैंने वीडियोस बनाना छोड़ी. सो आई थॉट के सबने इतना इनकरेज किया है मैं वापस दोबारा से अपनी वीडियोस जो है वो बनाना शुरू करूं. सो देयर्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ होना शुरू हो गई थी जिसकी वजह से मैंने वीडियो अपनी बनाना छोड़ दी. बाकी सारी बातें एक तरफ, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ थी जो जिसकी वजह से मैं ज़्यादा शौक में आई वो मेरे अब्बू की डेथ. उनकी पता ही नहीं चला कि अचानक से उनको क्या हो गया. बिल्कुल ठीक ठाक थे वो और अचानक ही बस उनको हार्ट अटैक हुआ है और वो बस एक दिन के अंदर ही बस. यहाँ से जो लोग इतनी दूर रहते हैं और जिनके पेरेंट्स, जिनके बहन भाई जो हैं वो वापस पाकिस्तान में, पीछे पाकिस्तान में होते हैं, उन वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना मुश्किल होता है सब चीज़ों को अपने. अगर कोई सिचुएशन हो जाए पीछे आपके घर में तो यहाँ से जाना और फिर उस सिचुएशन को हैंडल करना कितना मुश्किल होता है. मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि मैं रोऊँ ना, बट ये वीडियो मैं बस इस वजह से नहीं बना रही कि मैं सिंपथी ले सकूँ. किसी की सिंपथी की ज़रूरत नहीं है मुझे ये, लेकिन मैं बस आप लोगों से शेयर करना चाहती थी कि जिनके भी पेरेंट्स हैं, ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उनको हयात रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे. लेकिन ये कि हम लोगों को एफ़र्ट करनी चाहिए कि हम अपने माँ बाप को कॉल करें, उनसे पूछें, उनका हाल अहवाल पूछें. सिर्फ बेटों का ही नहीं, बेटियों का भी फ़र्ज़ होता है कि वो अपने माँ बाप का जो है वो ख्याल रखे. और उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं होती. और जो टाइम है आपके पास, आपको नहीं पता कि कल का दिन जो है वो आप खुद देखेंगे या आपका कोई लव वन जो है वो देखेगा या नहीं. तो आप लोगों को हमेशा इस चीज़ की लिए एफर्ट करनी चाहिए कि जो है, जो लोग आपके अराउंड हैं, आपकी ज़िंदगी में हैं, आप उनके साथ उनके साथ टाइम स्पेंड करें, अच्छी उनके साथ यादें बनाने की कोशिश करें, ताकि बाद में अगर वो चले जाते हैं तो आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि आपने वो टाइम उनके साथ स्पेंड नहीं किया. स्पेशली अपने माँ बाप को, माँ बाप जो है वो कितना हमारे साथ करते हैं, अपनी हर ख्वाहिश को ख़त्म कर करके हमें पालते हैं, बड़ा करते हैं, हमारी जो भी ख्वाहिश होते हैं उनको पूरी करने की कोशिश करते हैं. जिस तरह के भी माँ बाप हों, अमीर हों, गरीब हों, अपने आप को वो पीछे करके, अपनी ज़ात को वो पीछे करके अपने बच्चों को प्रायोरिटी देते हैं और उनका ख्याल करते हैं. तो हमें भी चाहिए, बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने माँ बाप की इज्जत करें. आज अगर हम अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, उनका ख्याल करेंगे, हम अपना वक्त में से यहाँ पे, ऑब्वियसली आई डू अंडरस्टैंड सबकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, लोग बहुत बिजी होते हैं, लेकिन ये कि अगर आप अपने माँ बाप के लिए वक्त नहीं निकालते तो कल को आपके बच्चे भी जो है वो आपके लिए वक्त नहीं निकालेंगे. हमेशा दुआ करें अपने माँ बाप के लिए. औलाद की दुआ जो है वो बड़ी कबूल होती है. मेरे अब्बू हमेशा कहते थे कि अगर नेक औलाद हो तो वो सदके जारिया बन जाती है. तो आप लोग भी खिदमत करें और अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें नेक बनाए, आगे हमारी औलाद को नेक बनाए, ताकि वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए. मैं इंशाल्लाह बस ये वीडियो इस वजह से बना रही हूँ कि मैं इंशाल्लाह आपको बताना चाहती थी कि मैं अपनी वीडियोस बनाना शुरू करूँगी. आप, आई होप कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें
और अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट आई विल कैच अप विद यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.